looking at your old pics, you really get back to that place. And finally found my very old hard drive, जिसमें 2018 से लेके अब तक की सारी पिक्चर्स है. फॉर एग्जाम्पल ये वाली फोटो, ये वाली फोटो, ये पिक, ये इमेज, लैंडस्लाइड, रिमेंबर दिस. दीज वर सम पिक्चर्स फॉर माई 2018-2019 कलेक्शन. मेरे को मेरी पुरानी हार्ड ड्राइव मिल गई जो कि बहुत सही है, पर इसके पहली वाली जो हार्ड ड्राइव है वो क्रैश हो चुकी है. एंड बहुत सारे IT इंजीनियर्स ने भी कोशिश की उसको बचाने के लिए, एंड दोज पिक्चर्स आई हैव लॉस्ट देम, सो इट फील्स अ लिटिल बैड. और रही बात मेरे डेनिम जैकेट की, मैंने एक छोटा सा पोल किया था कि गेस करिए जैकेट 10 साल पुराना है या 25 साल पुराना. तो मैक्सिमम लोगों ने कहा था 10 साल, बट जस्ट टू लेट देम नो दिस इज़ अ 25 ईयर ओल्ड जैकेट जो मेरे बड़े भाई का था, जो मैं आज भी पहनता हूँ. एंड विद दैट सेड फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल व्हाट्स हैपनिंग व्हाट्स गोइंग ऑन. सो आज ए वीकेंड, आई थॉट आई शुड पिक माई कैमरा एंड स्टार्ट व्लॉगिंग. वेल टुडे इज़ अ इम्पॉर्टेंट डे फॉर मी एंड दैट्स व्हाई आई एम व्लॉगिंग, बिकॉज कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है, करेक्ट. वेल काफ़ी लोग ने मेरे गोवा व्लॉग्स को अप्रिशिएट किया, बट सिर्फ एक या दो व्लॉग को. सो बेसिकली दे हैव मिस्ड आउट ऑन द सीरीज. तो मैं एक प्ले लिस्ट बनाऊंगा गाइज. इस प्ले लिस्ट में सारे सीरीज बेस्ड मेरे व्लॉग्स होंगे जो आप लोगों को पता चलेगा, बिकॉज दे काइंड ऑफ लूज कनेक्ट एंड दे जस्ट सी द फाइनल व्लॉग एंड से ऑसम. तो अगर आप सारे व्लॉग्स देखोगे तो मेरे लिए भी अच्छा होगा एंड इट इंस्पायर मी एंड मोटिवेट मी टू डू मोर व्लॉग्स. वेल आज का सीन बहुत सिंपल है. एक ब्रांड है जिससे मैं एसोसिएट होने जा रहा हूँ. इट्स अ वेरी वेरी नोन कंपनी, नॉट इन इंडिया, इंटरनेशनली, एंड दे एक्चुअली एक्सपोर्ट अब्रॉड. एंड आई एम गोना हैव अ ब्रांड मीटिंग विद देम. तीन बार मिल चुका हूँ ऑलरेडी, काफ़ी चीज़ें हो रही हैं. होपफुली फिंगर्स क्रॉस एक या दो प्रोडक्ट शायद लॉन्च हो जाए. आई एम नॉट टू श्योर. सॉरी अबाउट द क्रो नॉइज, ये तो होना ही है मेरे व्लॉग्स में. वैसे 3 महीने से ऑलरेडी इसकी प्लानिंग चल रही है. सो काफ़ी रिसर्च हो चुकी है कि वॉट आई शुड लॉन्च एंड नॉट. सो उसी पर फोकस हो रहा है. उसके अलावा मेरी ट्रिप प्लान्ड हुई है 2nd week of January. इफ़ दैट वर्क्स आउट, फिंगर्स क्रॉस, मज़ा आ जाएगा. पर अभी मैं वो शेयर नहीं कर सकता बिकॉज अभी भी वो कॉन्क्रीट नहीं हुआ है. बट वंस आई गो देयर आई विल बी शॉपिंग अ लॉट. सो थोड़ा हिंट मिल गया होगा आप लोगों को. इफ़ यू कीप रेगुलरली लाइकिंग माई वीडियोज, इट विल हेल्प मी ग्रो एंड मोटिवेट एंड पिकअप द कैमरा एंड स्टार्ट व्लॉगिंग ऑल द टाइम. सो फिलहाल टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, बाइक की तरफ चलते हैं बिकॉज टुडे इज मोटो व्लॉग डे. ओके, सो GoPro बैटरी हो गई है चार्ज. सो मेरा सेटअप है बहुत बुरे हाल में, सो डोंट जज मी. एंड फिलहाल निकालते हैं अपना क्रानोस का हेलमेट बिकॉज में सेना चार्ज्ड है. GoPro माउंट करते हैं. और बाय द वे ये पूरा सेटअप अब यहाँ से हटने वाला है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा. हेलमेट तो मैंने बाहर से क्लीन कर लिया है आफ्टर गोवा, मैंने इसे वॉश भी नहीं किया है. सो GoPro इज माउंटेड. हेलो 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 डर्टी याकूजा. काफ़ी गंदी हो चुकी है एज यू कैन सी. कवर लगाना भूल गया था. आई ऑलवेज नो मैं सनग्लासेस पहनता हूँ एंड आप लोग ये सोच रहे हैं मैं सनग्लासेस क्यों नहीं पहन रहा, बिकॉज आप लोग ने मेरा गोवा व्लॉग प्रॉपरली नहीं देखा. यस, मैंने सन प्रोटेक्शन वाइजर लगाया जो फोटोक्रोमेटिक है एंड हाइड्रोफोबिक है. सो बेसिकली जितना इसको सन लगेगा ये डार्क हो जाएगा. एंड मैं इसे टेस्ट कर रहा हूँ, उसके बाद ही इसको रिव्यू करूँगा. सो गोवा राइड में तो सक्सेसफुल रहा है. इट बिकेम लिटरली एज डार्क एज सनग्लासेस. जितना इसको सन पेनिट्रेट हुआ उतना ये डार्क होता गया एंड जैसे ही सन वेंट डाउन इट बिकेम लाइटर. सो डिसेंट है राइट हेयर. आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट, बट आपको ग्लेयर से पता ही चल गया होगा. दैट्स आई एम नॉट वेयरिंग सनग्लासेस. गुड आफ्टरनून राइडर्स, वेलकम टू राइड विद राज मोटो व्लॉग. एंड चलो याकूजा को लेके चलते हैं. जनवरी में जो मेरा ट्रिप प्लान्ड है, ओके, दैट्स नॉट ऑन माई मोटरसाइकिल. ओके, आई एम प्लानिंग टू डू समथिंग डिफरेंट. सो बिफोर आई वॉज अ व्लॉगर, मैं काफ़ी जगह ट्रैवल कर चुका हूँ एंड जो मैंने कैप्चर नहीं किया, ऑब्वियसली आई वॉज नॉट अ व्लॉगर. आई डू हैव फोटोग्राफ्स ऑफ ऑल दोज प्लेसेस. जनवरी 2nd week में मेरा ऐसा ही कुछ प्लान है. अगर वो सक्सेसफुल हुआ सो सुपर्ब. एंड दिस ट्रिप वॉज सपोज टू बी फॉर 1 month. यस गाइज, दिस ट्रिप इज सपोज टू बी फॉर 1 month. फिर भी मैं उसको शॉर्ट करके 15 days करूँगा बिकॉज आई हैव टू कम बैक फॉर सम अदर कमिटमेंट्स. उस ट्रिप के बाद आई थिंक बाय मिड ऑफ फेब आई शुड बी फ्री टू राइड माई मोटरसाइकिल. सो मैं एक राइड प्लान कर रहा हूँ, शायद एक कोलैबोरेशन हो, आप लोग के लिए बहुत अच्छा भी हो बिकॉज यू ऑल ऑलरेडी लाइक दैट ब्लॉगर. एंड यस, वो कन्फर्म नहीं हुआ है. वी हैव कैजुअली स्पोकन टू ईच अदर दैट लेट्स राइड ड्यूरिंग फेब.
सो अगर वो हो गया देन नथिंग लाइक इट. इफ दैट वर्क्स आउट इट विल बी मोर देन मैरी बिकॉज वी बोथ हैव गुड इक्विपमेंट, वी बोथ हैव ड्रोन्स एंड वी बोथ लव टू राइड मोटरसाइकिल्स. कैसा है भाई? मिलता हूँ के सो वन ऑफ माई फ्रेंड्स एंड आई रियली लाइक हर हेयर स्टाइल, इट्स सो कूल. सो ओके, लेट्स नॉट टॉक अबाउट पिंक हेयर राइट नाउ, लेट्स टॉक अबाउट माई नेक्स्ट राइडिंग प्लान. सो अगर ये कोलैबोरेशन वर्कआउट हो गया सो काफ़ी अच्छा रहेगा. एंड उसके अलावा भी बहुत सारे राइड्स प्लान है बिफोर मानसून हिट्स दिस कंट्री. बट इस बार ऑनेस्टली बताऊं गाइस, अगर इस बार बारिश हुआ मैं पर्पसली ऐसी जगह ढूंढूंगा जहां बारिश नहीं हो रही है और मैं राइड करूंगा बिकॉज इट इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग. ओके एंड चलो अब लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द काउल. यस, द काउल सेंड बाय MK डिज़ाइंस इंडिया. जो कैफे रेसर काउल है वो एक्चुअली कॉन्टिनेंटल GT पे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करती है मेरे हिसाब से. इट लुक्स ग्रेट ऑन द इंटरसेप्टर ऑल्सो. अगर मेरे पास क्लिप ऑन बार्स होते एंड क्लिप ऑन बार्स होते और पीछे की एक सिंगल सीट काउल होती, पूरा सेटअप होता, तो वो शायद अपीलिंग लगता मुझे. एंड आई जस्ट कमेंट डाउन बिलो इफ आई शुड ट्राई दिस एंटायर सेटअप प्लान. बेस्ट पार्ट अबाउट MK डिज़ाइंस इज दे मेक किट्स. सो ये किट होगा, सो डोंट वरी, इट्स नॉट गोना बी अ कम्प्लीट मॉड. सो अगर लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं यार तुम अपनी अच्छी खासी बाइक को यू नो चेंज कर दोगे, ऐसा नहीं है. इट्स गोना बी अ किट, इसको आप कभी भी निकाल सकते हो. सो इफ़ यू फील लाइक गोइंग फॉर दी संडे राइड्स वेरी मिसिंग द कैफे रेसर, दैट्स द रीज़न आई बॉट द इंटरसेप्टर, कि इस पर दोनों चीज़ हो पाएंगे. बिकॉज अगर मैं GT लेता तो उसकी फुटपैक पोजिशनिंग भी थोड़ी अलग है एंड उस पर अगर मैं अपराइट बार डालता तो अच्छा तो होता टोरिंग के लिए, बट फुटपैक पोजिशनिंग और वो सब के हिसाब से थोड़ा मेरे पे प्रेशर पड़ता एंड दैट्स द रीज़न आई वेंट फॉर इंटरसेप्टर. एंड सेकेंडली आई वॉज क्वाइट डन विद दैट टैंक ऑल्सो. प्रीवियस GT में भी मेरे पास वही टैंक थी 535. सो थोड़ा मुझे चेंज करना था एंड आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ लिटल ओल्ड स्कूल लुक. सो इसीलिए मैं ये रेट्रो स्टाइल इंटरसेप्टर के लिए गया हूँ, सो दैट टोरिंग के लिए भी सही रहेगी मेरे लिए. बेसिकली द इंजन इज़ सुपर्ब. सो यही एक खासियत है इस बाइक की सबसे बड़ी. एंड बाकी सब तो हम मॉड कर सकते हैं ये. सो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इंटरसेप्टर का, यू कैन डू लॉट ऑफ मॉड्स. सो कमेंट डाउन बिलो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं MK डिज़ाइंस का पूरा किट लगाऊं एंड टू शो यू गाइस हाउ इट एक्चुअली लुक्स एंड उस हिसाब से आई विल डू माय वीडियोस अराउंड इट बिकॉज किट पड़ा हुआ है मेरे घर पे. सो आगे का किट डेमोन्स्ट्रेट करके मैं आप लोग को बता सकता हूँ कि हाउ इट्स लुकिंग विद द करेंट सेटअप. वेल, जो राइडर मेनिया में वाइट कलर की बाइक रखी थी MK डिज़ाइंस ने, वो बहुत ही पर्सनली अपीलिंग लग रही थी. फोटो में थोड़ी अलग लग रही थी मुझे बिकॉज अपराइट बार के साथ काउल थोड़ा काइंड ऑफ यू नो इट डजेंट गिव दैट काइंड ऑफ अ फील. यू नो इफ आई एम कंपेयरिंग इट विथ Truxton R, Triumph Truxton R एंड बट जब मैंने पर्सनली देखी आई वॉज अमेज्ड, बहुत अच्छी लग रही थी. इनफैक्ट मैंने कई लोगों को वहाँ पूछा भी था कि हाउ डू यू थिंक दिस सेटअप लुक्स ऑन द इंटरसेप्टर. सो दे वर लाइक यार पर्सनली बहुत अच्छी लग रही है. एंड उसमें उसने क्लिपॉन्स भी नहीं डाले थे पर वो ओवरऑल सेटअप के साथ अच्छी लग रही थी. सो अगर मैं इस पर क्लिपॉन्स डालूँ या फिर ड्रॉप डाउन बार्स डालूँ मोर ऑफ अ ड्रैग स्टाइल, बिकॉज क्लिपॉन्स के लिए मुझे अलग से सेटअप भी करना पड़ेगा. एंड अगर मैं ड्रॉप डाउन ड्रैग डालूँ वो इसी क्लैम्प्स पे लग जाएंगे, दे विल बी जस्ट लोअर डाउन, दैट्स इट. आई कैन मैन्युफैक्चर माई ओन, फादर वॉज इन मेटल बिजनेस ऑल इज लाइफ, सो अपना मेटल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा है गाइस. एंड ऑन दैट बेसिस अगर आप लोग चाहते हो कि मैं वो किट इस बाइक पे लगाऊं, लेट मी नो. फ्रंट काउल तो रेडी पड़ा है, वो भी एक डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो बना सकता हूं आप लोगों के लिए. सो वेल, दैट्स माय ऑसम कॉफी एंड दैट्स व्हाट आई वाज मेंशनिंग ड्यूरिंग माई मोटर ब्लॉग के यहाँ की कॉफ़ी बहुत किलर है. फ्रेंड्स, द मीटिंग वॉज फेंटास्टिक. ओके एंड अभी मेरे को बहुत जोर की भूख लगी है, सो आई गो टू अ लोकल रेस्टोरेंट जहाँ पे मैं पहले जाता था. सो वील गो देर एंड ईट समथिंग क्विकली. सो मैं आ गया हूँ तुंगा रेस्टोरेंट, यहाँ पे मैं पहले बहुत आता था जब मैं यहाँ पे काम करता था सीप्स में. एंड अभी भी दे सर्व थाली बट इन द आफ्टरनून ओनली. एंड सॉरी अबाउट द विंड नॉइस. अभी मैं खा रहा हूँ बोम्बिल फ्राई. अब खाया जा रहा है नीर डोसा
और मटन सूखा। सो गुड मॉर्निंग गाइज, आज है दूसरा दिन एंड एक्चुअली आई कुड नॉट एंड माई व्लॉग बिकॉज लाइटिंग हो गई थी खराब एंड माई बैटरी हैड ऑल्सो डाइड ऑफ माई कैमरा एंड फुटेज इतना अच्छा नहीं आ रहा था। सो आई थॉट नेक्स्ट डे आई व्लॉग एंड आज मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। येस, इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। येस, स्कैम, अ प्रॉपर स्कैम। बेसिकली प्रोडक्ट लॉन्च मैं काफ़ी टाइम से करना चाहता था। येस, आई हैव डेल्ट विद लॉट ऑफ ब्रांड्स इन माई लाइफ प्रोफेशनली ऑल्सो। ये आवाज़ सुन रहे हो, लिटरली लाइक मजाक नहीं कर रहा, जब भी मैं व्लॉग स्टार्ट करता हूँ ये आवाज़ चालू होती है। इट्स बेसिकली अ टाइल कटिंग मशीन एंड सुबह नहीं थी, जब भी मैं कैमरा उठाता हूँ दिस गाय स्टार्ट्स। कितने महीने कितने साल गुजर गए, ये आवाज़ वहीं की वहीं है। आई डोंट नो इसका घर बन रहा है कि महल बन रहा है। सो एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, यस आई ऑलवेज वॉन्टेड टू लॉन्च अ प्रोडक्ट विच इज सेंसिबल, प्रैक्टिकल एंड समथिंग विच आई लाइक पर्सनली ऑल्सो। यस, इससे मुझे थोड़ा मॉनिटरी बेनिफिट होगा। उस मॉनिटरी बेनिफिट का फ़ायदा ये होगा कि मेरे चैनल पे मैं ज़्यादा टूर करूँगा, मैं ज़्यादा ट्रैवल करूँगा, मैं प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स खरीद पाऊँगा। सो बेसिकली दिस इज़ माई प्लान टू लॉन्च अ प्रोडक्ट। ये अभी भी श्योर नहीं है बिकॉज आई एम स्टिल टेस्टिंग इट। मैंने इंस्टाग्राम पे इसके बारे में काफ़ी कुछ मैंशन किया है, मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला है इंस्टाग्राम से। दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू गाइज। ओके फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर। ऑल राइट, आज लिटरली 31st है। बाकी सारी क्लिप्स कपल ऑफ डेज पहले की थी। आई थॉट न्यू ईयर मुझे आपको विश करना चाहिए बिकॉज आज है 31st। येस, अनदर वन आवर इट विल बी न्यू ईयर। आप सबका रेजोल्यूशन तैयार होगा, मुझे भी पता है। अगर आपने अपने गोल्स अचीव नहीं किए 2019 में, बुरा मत मानिए, 2020 है। वी कैन मेक दिस स्ट्रॉन्गर, बेटर टुगेदर। सो आई होप आप लोगों का सपोर्ट रहे एंड एज यूजुअल फ्रेंड्स, ईट वेल, स्लीप वेल, बी गुड। सी यू गाइज विद अ न्यू व्लॉग। यस, ये मेरा 2019 का लास्ट व्लॉग था। साइनिंग ऑफ, राइड विद राज।